हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेली में बताने वाला हूँ कि किसी भी कंपनी के पासवर्ड को किस तरह से हटाया जा सकता है। जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो आपको सिक्योरिटी के लिए एक पासवर्ड देना होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से अपन किसी भी टेली में किसी भी कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जब भी कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पे आपको एक पासवर्ड ऑप्शंस मिल जाता है, यानी कि आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जिससे कंपनी सिक्योर रहती है। पर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर कभी कंपनी टैली में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो जिस तरह से फेसबुक अकाउंट में फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन आता है, वो टैली में नहीं होता है। तो टैली में किस तरह से पासवर्ड को रिकवर किया जा सकता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक कंपनी बनाने वाला हूँ, किशन जी नाम से, है ना। ये मैं आपको ये कंपनी में बना रहा हूँ विदाउट सिक्योरिटी वाली, इसको मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। जैसे यहाँ पे इस कंपनी को मैं कोई पासवर्ड नहीं दूंगा, तो अगर किसी कंपनी को पासवर्ड नहीं देना है तो इसको नो ही रखना है और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवा देना है। ये कंपनी आपकी बिना सिक्योरिटी की बन जाएगी और इसको आप नोटबुक में लिख सकते हैं, जिस नाम से कंपनी है उसका नेम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है अनसिक्योर कंपनी है, तो यहाँ पे आपको NSEC कर देना है ना, ठीक है। अब दूसरी कंपनी में बनाने जा रहा हूँ जो सिक्योरिटी वाली है, यानी कि मैं दूसरी जो कंपनी बना रहा हूँ वो सिक्योरिटी वाली कंपनी आपको बनानी है। जैसे मैं बनाने वाला हूँ ABC, ओके, इसको मैं सिक्योरिटी दूंगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे यस करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ, मैं कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको पासवर्ड रिपीट करना होता है। जो पासवर्ड रिपीट करोगे, यहाँ पे फ्रेंड्स वार्निंग आती है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसको रिकवर करने के लिए कोई यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होता है। तो जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डालने होते हैं। जैसे ही आप यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो वो कंपनी खुल जाएगी। ये तो था पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंपनी बनाना, विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंपनी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको उस कंपनी को ब्रेक करना है, यानी कि पासवर्ड भूलने के बाद अगर आपको उसको उसके पासवर्ड को ब्रेक करना है, तो फिर किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले टेली का जो वर्क होता है वो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अल्टर ऑप्शंस, यहाँ पे अगर इस जगह पे कंपनीज खुली हुई है, यानी उन दोनों कंपनियों का नाम यहाँ पे आ रहा है, या फिर जो कंपनी आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना रखी है उसका उसको यहाँ पे ओपन करना है, अगर नहीं खुल रही है तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाके सिर्फ आपको उसके कोड लिखने होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एक ही कंपनी है और उसी के भी आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप एक बिना पासवर्ड की अलग से कंपनी बना लो और फिर आपको सेलेक्ट कंपनी में जाके उन दोनों कंपनी के कोड लिखने होते हैं। जैसे ABC ट्रेडर्स का कोड है 10027, तो मैं यहाँ पे ABC ट्रेडर्स कंपनी का कोड यहाँ पे लिख देता हूँ 10027, ठीक है। उसके बाद किशन जी, इसका कोड भी आपको लिखना होता है, जैसे 10026, तो इसका कोड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10026, ओके। फिर ये जो ऊपर लोकेशन आ रही है, यहाँ पे ऊपर जो लोकेशन बता रहा है वो लोकेशन आपको कंप्यूटर में खोलनी होती है। जैसे सबसे पहले सी आ रहा है, तो यहाँ कितनी कि आपको लोकल डिस्क सी में जाना है, उसके बाद यूज़र में जाना है, उसके बाद पब्लिक में जाना है, ये फोल्डर है। इसके बाद जो भी नाम आ रहे हैं वो सब फोल्डर के नेम है। पब्लिक नाम का फोल्डर मिल जाएगा, फिर tally.erp9 नेम का फोल्डर मिल जाएगा, और फिर डेटा नाम का फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पे इन सब कंपनीज का बैकअप पड़ा हुआ है। तो अपन
अपने को उस लोकेशन तक पहुंचना है, यानी कि डेटा तक अपने को जानना है। जो भी यहाँ पे ये आ रहे हैं फोल्डर, इनको खोलते हुए डेटा ऑप्शंस में जाके ये लोकेशन सर्च करनी होती है। तो सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर देते हैं। और आपको माई कंप्यूटर खोलना है। सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर खोलना है, यानी कि यहाँ पे अगर आपको माई कंप्यूटर ऑप्शन मिल रहा है तो वो खोल सकते हैं। इस पर क्लिक करके माई कंप्यूटर को खोलना होता है। इसके बाद आपको सबसे पहले लोकल डिस्क सी, यानी लोकल डिस्क सी खोलनी है। यहाँ पे जाके आप लोकेशन वापस चेक कर सकते हैं लोकल डिस्क सी। उसके बाद जाना है आपको यूज़र पे, तो आपको यूज़र ऑप्शंस खोलना है, यानी यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा, इसको खोलना है। उसके बाद आपको खोलना है, वहाँ से आप लोकेशन चेक भी कर सकते हैं, पब्लिक और फिर telly.erp9, यानी कि पब्लिक ऑप्शन से इस पर क्लिक करना है और इसमें telly.erp9 इस पर क्लिक करना है। उसके बाद डेटा ऑप्शन आप कुछ मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यानी कि ये सारी कंपनीज का बैकअप आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जो कंपनी अनसिक्योर है उसका कोड डालना है, यानी कि उसके कोड को सर्च भी कर सकते हैं आप, टाइप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 10026, यानी कि मैं यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन मिलता है 10026, इससे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करोगे ये कोड शो हो जाएगा, इसको खोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप इजीली यहाँ पे क्लिक करके 10026 टाइप कर दें, तो इजीली वो उस कोड तक चला जाएगा। या फिर माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको डबल क्लिक करके या खोल सकते हैं। फिर इसके अंदर company.900 इस फाइल को आपको इस फाइल के ऊपर, जैसे ये सिलेक्शन हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप राइट क्लिक करते हो उसके ऊपर, तो यहाँ पे कॉपी ऑप्शंस मिल जाता है। कॉपी ऑप्शंस यूज़ में ले सकते हो या फिर कंट्रोल सी यूज़ में ले सकते हो। जैसे आप कॉपी करोगे, फिर आपको अनसिक्योर कंपनी की लोकेशन खोलनी, जो इसके जस्ट नीचे दे रखी है, वो कोड आपको देख लेना, जो भी कोड हो और जो सिक्योरिटी वाली कंपनी है उसको खोलना है, और यहाँ पे कहीं बाहर लाके उसको पेस्ट करना होता है। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शंस आता है, इस पर क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे आप रिप्लेस कर देते हो, अब जो कंपनी आपकी सिक्योरिटी वाली थी वो भी अनसिक्योर हो चुकी है। अब इसको एक बार स्केप करके पीछे ले जाके, जैसे आप सेलेक्ट कंपनी पर जाओगे, तो यहाँ पे आपको किशन जी नाम की दो कंपनीज मिल जाएगी, यानी कि दोनों कंपनी अब अनसिक्योर हो चुकी है। तो इससे पहले अपन किशन जी वाली कंपनी को अब यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे जाओगे, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाली कंपनी है, जैसे कि 10027 पहले सिक्योरिटी वाली थी, इसको खोलोगे तो ये कोई पासवर्ड नहीं मांग रही। और इसके बाद आप अल्टर में जाके वापस उसका नेम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी सिक्योर कंपनी को भी अनसिक्योर कर सकते हैं, इस तरह से आप उसमें चेंजेस करके। तो फ्रेंड, इस तरह से आप इजीली किसी भी कंपनी को चेंज कर सकते हो और उसके पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट कंपनी में जाके दोनों के कोड लिखने हैं, अनसिक्योर कंपनी के कोड की लोकेशन को खोलना है, और सिक्योर कंपनी में ले जाके आपको पेस्ट करना है। यानी कि सबसे पहले अनसिक्योर की जो भी लोकेशन है 10026, इसको खोलना है, और इसके अंदर ध्यान रखना है आपको company.900, कंपनी और उसके बाद डॉट और उसके बाद 900, ये फाइल ही आपको कॉपी करनी है, दूसरी फाइल नहीं करनी। इसको कॉपी करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करके सिक्योर कंपनी के कोड खोल के उसमें ले जाके पेस्ट करना है, यानी 10027 खोलना है, यहाँ ला के पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी को ब्रेक कर सकते हो, पासवर्ड अगर प्रोटेक्टेड है तो भी विदाउट पासवर्ड के उसको ओपन कर सकते हो। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।